नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपराधियों को समन नहीं सम्मान दिया जा रहा है और सरकार सो रही है। सपा अध्यक्ष आगे कहते हैं कि गाड़ी की पहचान हो गई, अपराधी की पहचान हो गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा। ये सरकार किसानों के लिए नहीं है। अखिलेश यादव आगे कहते हैं कि अन्नदाता कुचला गया, कानून कुचला गया है। सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है कि राज्य में जंगल राज है। अखिलेश यादव आगे कहते हैं कि जिस तरह पहले किसानों को कुचलना, कानून को कुचलने की तैयारी है और संविधान को कुचल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि जो किसान अपने हक के लिए लड़ रहे थे, सभी को जानकारी थी। स्थानीय पुलिस प्रशासन और जितने भी अधिकारी थे, सभी को इसकी जानकारी थी कि किस तरह का आंदोलन चल रहा है। उसके बावजूद किसानों की हत्या हुई और दोषी अब तक पकड़े नहीं गए। और क्या कुछ कहा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, सुनी। गोरखपुर में जो व्यापारी की हत्या हुई, अभी भी फरार है। आखिर किसने फरार किया हुआ है? जिस आईपीएस पर चार्जेस थे कि उन्होंने हत्या की एक व्यापारी की, वो आईपीएस फरार है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को मिली है। कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुई है। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? और सरकार कह रही कानून व्यवस्था अच्छी है, जब टायर से ही कुचला जा रहा है कानून। हमें उम्मीद है कि भारत का न्याय और न्याय, सुप्रीम कोर्ट भी इसको नोटिस लिया है कि लोगों को न्याय मिले, और सब न्याय चाहते हैं। ये सरकार लगातार भेदभाव कर रही है, भेदभाव सरकार कर रही है। जहां भी दो दिन में मिला हूं, जिस किसी से भी बातचीत हुई है, प्रेस के जो एक हत्या हुई, उनके परिवार से भी मैं मिला। उनके पिता, उनके परिवार के सभी सदस्यों ने कहा कि जब तक गृह राज्य मंत्री हैं, और जिन परिवारों से ही मिला हूँ, सब परिवारों ने यह कहा कि जब तक गृह राज्य मंत्री रहेंगे, तब तक न्याय मिल पाना मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी की कोई प्लानिंग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल अपनी गाड़ी से कानून को रौंदना चाहती है। जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार कर दे। जिन पे आरोप हैं, जिनका वीडियो वायरल हो रहा है, क्या किसी देश के गृह राज्य मंत्री ये कहेंगे कि मैं सांसद नहीं हूं, मंत्री नहीं हूं, मैं विधायक नहीं हूं, समझ लो मैं क्या हूं, मैं कितने मिनट में ठीक कर देता हूं? ये भाषा गृह राज्य मंत्री की होगी? और फिर कई जगह उनके इतिहास के बारे में पता है, उनके रहते हुए क्या न्याय मिलेगा? ये तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। गृह राज्य मंत्री अपना इस्तीफा दें। जो वीडियोस आए हैं, जो मौके पे जिन लोगों ने देखा है, जो वहाँ पर और प्रशासन के लोग हैं, सब ने देखा है कि गाड़ियाँ किसकी हैं, गाड़ी कौन चला रहा था, कौन बैठा हुआ था। ये देरी इसीलिए है कि जिससे न्याय न मिल पाए। अच्छा, मैं जान लूँगा। अच्छा ठीक है, ये नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपको खुली छूट देता हूँ कि आपके मन में कोई सवाल हो वो पूछ लो। अगर कोई ऐसी बात हो जो आप पूछना चाहते हो अकेले में भी, तो चलते चलते अकेले में पूछ लेना। नहीं, आपके मन में, मैंने कहा कोई ये नहीं कहेगा प्रेस के लोगों, ये समाजवादी पार्टी में ये परंपरा नहीं है कि ये सवाल पूछो ये नहीं पूछो। और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि आप कितने आज़ाद हैं। अब जनता तय करेगी उत्तर प्रदेश में। बहुत कम समय बचा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। ये बहुत सी बातें, ये मत करो, ये मैनेजमेंट का मामला है, ये समाजवादियों के हाथ में नहीं है मैनेजमेंट। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने विरोधी दलों को आड़े हाथों लिया है। बसपा संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में आयोजित एक जनसभा में उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने चुनाव से पहले सर्वे पर रोक लगाने की मांग भी की है। मायावती ने कहा कि यूपी में जब बसपा की 2007 में सरकार बनी थी, तब हमने यहाँ प्रदेश और आम जनता के लिए युद्ध स्तर पर चौतरफा विकास किया था।
प्रदेश में बेहतरीन कानून व्यवस्था दी थी, जिसकी पूरे देश में सराहना भी की गई थी, लेकिन ये सब विरोधियों को अच्छा नहीं लगा। तब से यहाँ जातिवाद, संकीर्ण और पूंजीवादी पार्टियां एकजुट होकर बसपा को सत्ता में आने से रोकने में लगी है। इस वजह से बीते दो विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी सरकार नहीं बना पाई है। आगे किस तरह से विपक्षियों को आड़े हाथों लेती दिखी मायावती, सुनिए। यूपी में हमारी पार्टी की रही चारों सरकारों ने यहां सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों तथा गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, छोटे व्यापारियों, कर्मचारियों, वकीलों व अन्य मेहनत कश लोगों के साथ साथ छात्रों, युवाओं, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के हित एवं कल्याण के लिए जो भी योजनाएं व परियोजनाएं आदि चलाई थी, जिन्हें सपा व भाजपा सरकार ने अधिकांश रोक दिया है, तो उन्हें फिर से शुरू किया जाएगा। प्रदेश में सरकार बनने पर पहले नए हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज एवं शिक्षण संस्थान आदि नहीं बनाए जाएंगे, बल्कि पहले से जो बने हैं, जिनकी काफी दयनीय हालत हमें कोरोना काल में देखने के लिए मिली है, तो उन्हें पहले सुधारा जाएगा। इसी प्रकार प्रदेश में सड़कें व पुल आदि भी नए बनाने से पहले यहाँ पुरानी सड़कों व पुलों आदि को ही ठीक किया जाएगा, ताकि कोई जनहानि ना हो सके। साथ ही प्रदेश के विकास व जनहित में केंद्र एवं स्टेट की अभी तक जो भी सही योजनाएं चल रही हैं, तो उन्हें विरोधी पार्टियों की तरह बदले की भावना से रोका नहीं जाएगा। इसके साथ ही सपा व भाजपा सरकार की तरह दूसरी सरकारों के किए गए कार्यों के नाम बदलकर ये भी नाटक नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रदेश में सपा व भाजपा सरकार के सभी कार्यों की ईमानदारी से समीक्षा की जाएगी। जो कार्य सही व जनहित में है, तो उन्हें जरूर आगे बढ़ाया जाएगा, अर्थात रोका नहीं जाएगा। इसके अलावा मेरी सरकार में वर्तमान भाजपा सरकार की तरह कानून व्यवस्था का सुधार केवल कागजों व मीडिया आदि में नहीं, बल्कि जमीन पर ही लोगों को हकीकत में होता हुआ नजर आएगा। खासकर सपा सरकार में जो गुंडे, बदमाश व माफिया आदि खुलेआम जनता का शोषण व उत्पीड़न आदि करते हैं, तो वे मेरी सरकार में आपको जेल के बाहर नहीं, बल्कि जेल की सलाखों के अंदर ही नजर आएंगे, जहां उनकी असली जगह होनी चाहिए। इस प्रकार से प्रदेश में सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के लिए यहां हर स्तर पर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी जाएगी। और अब खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर के मधुरा थाना इलाके में एक 13 साल की छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोप है कि खंड शिक्षा अधिकारी मर्दह के निजी ड्राइवर ने उनके ब्लॉक के कार्यालय कैंपस में ही स्थित विद्यालय में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। मामले में पीड़िता के पिता ने खंड शिक्षा अधिकारी के निजी चालक की शिकायत पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में एसपी ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो गाजीपुर का यह पूरा मामला, जहां पर 13 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज वारदात हुई है। बीओ के ड्राइवर पर दुष्कर्म का आरोप लग रहा है। पीड़ित छात्रा के पिता थाने पहुंचे, शिकायत दर्ज कराई है। गाजीपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, और ये भी जानकारी मिल रही है कि विद्यालय के अंदर ही छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया। बच्ची है जो 7th क्लास में पढ़ती थी, 13 साल की थी, उसके साथ एक लड़का है जो ड्राइवरी का काम करता है, यही एक स्टाफ के साथ है, उसने उसके साथ रेप कर दिया था। तो इसका मुकदमा जैसे ही उनके घर वालों ने सूचित किया, पंजीकृत हो गया है और अभियुक्त को भी आज पकड़ लिया गया है। अभी कुछ पहले साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इकरार, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस खबर को लेकर, इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की गई है पुलिस द्वारा? गाजीपुर के मर्दा विकास खंड में शिक्षा अधिकारी का ड्राइवर था, जो
एक स्कूल की 13 साल की बच्ची थी जो 7th क्लास की थी, उसके साथ आपत्ति जनक करते हुए उसको पकड़ा गया। लेकिन जैसे ही जानकारी विभाग को मिली, विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रिंसिपल को तुरंत तत्काल से सस्पेंड कर दिया और तीन लोग गठित टीम बना के जांच की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो गाजीपुर का यह पूरा मामला जहां पर एक 13 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है और पीड़ित पिता ने थाने में FIR दर्ज कराई है। गौना में चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक महिला प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में गिर गई, जिसके बाद RPF के दारोगा ने ट्रेन पुलिंग कर ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर ही रोक दिया, जिसके बाद RPF ने महिला को सकुशल बचा लिया। वहीं महिला का ट्रेन से गिरने की घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गौना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से महिला ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बैलेंस नहीं बना पाई और नीचे गिर गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में उसे कोई चोट नहीं आई है। वहां पर दारोगा ने पहुंचकर महिला की जान बचा ली और ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर ही रुकवा दिया। हमीरपुर में SDM संजय मीना, बिजली विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए BJP नेता रोहित शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि रोहित शर्मा अपने आवास पर एक क्लिनिक का संचालन करते हैं, या वो हड्डी रोग से ग्रसित मरीजों का इलाज करते हैं। बताते चलें कि BJP नेता रोहित शर्मा के पास डॉक्टरी की कोई डिग्री नहीं है, ना ही वो कोई हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। वो फर्जी तरीके से अपने आवास पर क्लिनिक का संचालन कर रहे थे, जिसकी जानकारी मिलने पर SDM संजय मीना, स्वास्थ्य विभाग और बिजली विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए BJP नेता को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक रोहित शर्मा ने अपने फर्जी गोरख धंधे का इस्तेमाल करने के लिए जल्दी में ही BJP का दामन थामा था। आरोपी BJP नेता की धाक जमाकर मुख्यालय स्थित जेल के पीछे पोस्टमार्टम हाउस के सामने अपना फर्जी धंधा चला रहा था। तो हमीरपुर का ये पूरा मामला है। वहीं बता दें कि बिजली विभाग की टीम ने BJP नेता रोहित शर्मा पर फर्जी बिजली कनेक्शन करवाकर बिजली उपयोग करने का भी आरोप लगाया है। हमीरपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। BJP नेता फर्जी डॉक्टर बनकर यहां लोगों का इलाज कर रहे थे, अपने आवास पर ही फर्जी क्लिनिक उन्होंने चला रहे थे। यहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से ट्रॉमा सेंटर चला रहा है, वहाँ पर बिना किसी डिग्री के वह लोगों का इलाज कर रहा है, जिसके संबंध में आज मैं हमारे कानपुर साहब वहाँ पर जाकर छापेमारी की। उसमें वहाँ पर दो मरीज भी मिले जिनके हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ था। इसके अतिरिक्त वहाँ पर बहुत सारी दवाइयाँ, सिरिंजेस और जो प्लास्टर में यूज होने वाला मटेरियल है वो पाया गया। इसके संबंध में वहाँ पर जो डॉक्टर PK सिंह हैं एडिशनल फर्जी हड्डी रोग विशेषज्ञ बनकर इलाज कर रहे थे लोगों का, उनके पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन फर्जी क्लिनिक वो जरूर चला रहे हैं। उन पर यह भी आरोप लग रहा है कि अपने गोरख धंधे छुपाने के लिए वो जल्द ही BJP में शामिल हुए थे। फिलहाल उन पर केस दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। तो हमीरपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर BJP नेता फर्जी हड्डी रोग विशेषज्ञ निकले हैं, जिसके बाद बिजली विभाग ने उन पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान पता चला है कि फर्जी तरीके से वो बिजली की खपत भी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि उन पर कई मामले दर्ज हैं, गोरख धंधा भी करते थे और इसी को छिपाने के लिए वो लगातार BJP नेता बने थे। तो हमीरपुर में SDM संजय मीना, बिजली विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए BJP नेता रोहित शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि रोहित शर्मा अपने आवास पर एक क्लिनिक का संचालन करते हैं, जहां वो हड्डी रोग से ग्रसित मरीजों का इलाज करते हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि रोहित शर्मा के पास डॉक्टरी की कोई डिग्री नहीं है, ना ही वो कोई हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। वे फर्जी तरीके से अपने आवास पर क्लिनिक का संचालन कर रहे थे, जिसकी जानकारी मिलने पर SDM संजय मीना, स्वास्थ्य विभाग और बिजली विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए BJP नेता को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी ये भी मिलती है कि रोहित शर्मा ने अपने फर्जी गोरख धंधे का इस्तेमाल करने के लिए जल्द ही BJP का दामन थामा। आरोपी BJP नेता धाक जमाकर मुख्यालय पर कोशिश कर रहा था कि वो पोस्टमार्टम हाउस के सामने अपना फर्जी धंधा आराम से चला सके। छापेमारी के दौरान उनके आवास से कई प्रकार की दवाइयां, इंजेक्शन और प्लास्टर
बरामद हुआ है। वहीं बिजली विभाग की टीम ने बीजेपी नेता रोहित शर्मा पर फर्जी बिजली कनेक्शन करवाकर बिजली उपयोग करने का आरोप भी लगाया। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी अब्दुल सिद्दीकी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अब्दुल, ये जो रोहित शर्मा बताए जा रहे हैं फर्जी डॉक्टर हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ खुद को बताते हैं, कब से ये अपना फर्जी क्लिनिक चला रहे थे और इन पर एक्शन पहले क्यों नहीं लिया गया? हाँ जी, मैं आपको बता दूं, ये जो मामला है काफी टाइम का हो है। ये काफी टाइम गोरख धंधा चला रहे थे अपना। जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस मौके पर पहुंच के उसने इसकी पूरी जांच करी। संयुक्त टीम बनाई गई, एसडीएम संजय मीणा वहां पहुंचे, उन्होंने पूरी संयुक्त टीम बना करके छापेमारी मारी। तो वहां पे जब जाके देखा गया तो वहां पे ये काफी इंजेक्शन वगैरह रखे थे, दवाइयां वगैरह रखे थे, और इनके पास डिग्री, कोई डिग्री भी नहीं है ऐसी जिससे ये अपना क्लिनिक चला सके। और बाहर ये भाजपा का वोट लगाए हुए थे जिससे इनको मतलब प्रशासन इनके द्वारा कोई कार्रवाई ना करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बीजेपी नेता फर्जी हड्डी रोग विशेषज्ञ निकले और लगातार इन पर कार्रवाई की जा रही है, उनकी गिरफ्तारी भी अब कर ली गई है। हमीरपुर में रवि की फसल की बुआई का समय आते ही किसानों के सामने खाद की समस्या आकर खड़ी हो गई है, जहां खाद के लिए धक्का मुक्की होती नजर आ रही है। किसानों को मौधा नगर और स्थानीय समितियों में पर्याप्त मात्रा में खाद न आने के चलते किसान समितियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। बता दें कि पीसीएफ खाद गोदाम में 500 बोरी खाद आई तो थी, लेकिन देखते ही देखते सारी खाद साफ हो गई और तमाम किसान खाद पाने से वंचित रह गए हैं, जिस पर किसानों ने केंद्र प्रभारी पर धांधली के आरोप भी लगाए हैं। तो हमीरपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, खाद न मिलने से अन्नदाता बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। ये मामला ये है कि कल हम लोग आए थे सुबह 5 बजे, उसके बावजूद जब खाद खत्म हो गई 30 लोगों को उन्होंने खाद बांट दी, और आज भी वही हाल है कि सुबह से खाद बराबर बट रही है, लेकिन 30 से 33 नंबर तक ही खाद बट पाई है, लेकिन खाद निरंतर यहाँ से जा रही है। यदि ऐसे भ्रष्ट यहाँ पर लोग रहेंगे तो बड़ी समस्याएं पैदा होंगी सामने। कौन है यहाँ पर प्रभारी? सुरेंद्र कुशवाहा। कब से हैं यहाँ पे? कई वर्षों से लगातार यही काम चल रहा है। यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? भीड़ इसलिए लगी भाई साहब, कोई अंदर से जाता है, लाइन वाले लाइन में लगे रहते हैं। और कल 500 बोरी इन लोग खाद बताई गई, 500 बोरी आई है। 500 बोरी में क्या किया इन लोगों ने कि 30-40 आदमी को खाद मिली, अगर 5-5 बोरी बटेगी, इन्होंने किसी को 20 बोरी काटी, किसी की 10 काटी, किसी की 15, ये सिस्टम करके इन्होंने खाद को ख़त्म कर दिया। पूरी जनता को प्रलोभन दे के बैठा ले रहे, फिर भी इसके बाद 3 बजे कहा गया कि रुको बैठो, खाद मिलती है अभी, क्यों यही बात है? अब बोलो सब लोग क्यों? यही बात है, सही बात है। 35 आदमी को खाद मिली, 5-5 बोरी दी जाती, 5-5 बोरी अगर दी जाती तो 100 आदमी ने पड़ता भाई साहब, 100 आदमी के लिए। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने मोहन नगर चौराहा साहिबाबाद पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों द्वारा हिंदू शिक्षकों की नृशंस हत्या करने के विरोध में पाकिस्तान का झंडा जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन भी किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने कहा है कि पाकिस्तान लगातार सीमा पार से आतंकवादियों को हिंदुस्तान भेजकर आतंकवाद फैला रहा है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो सैकड़ों की संख्या में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 2 शिक्षकों की आईडी कार्ड देखकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है और इसका असर गाजियाबाद में भी मिला। हिंदू रक्षा दल ने इसका विरोध किया है और साथ ही साथ कहा है कि अगर प्रधानमंत्री ने इस पूरे मामले पर जल्द एक्शन नहीं लिया तो हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता लगातार यूं ही प्रदर्शन करते रहेंगे। आज जिस तरीके का माहौल कश्मीर में पैदा किया जा रहा है, हिंदू को सिखों को टारगेट करके जो मारा जा रहा है, वो हिंदू रक्षा दल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हम लोगों ने जो है मोहन नगर विशाल प्रदर्शन किया है, और इसी के साथ मैं सभी अपने कश्मीरी भाइयों से ये कह देना चाहता हूं कि वो है बिल्कुल भी ना डरें, हम पूरा देश उनके साथ खड़ा है, किसी भी परिस्थिति में उनको डर के भागने की जरूरत नहीं है। हम ताकत के साथ अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े हैं, अपने सिख भाइयों के साथ खड़े हैं। जिस तरीके से जेहादी मानसिकता वो कश्मीर में फैला देना चाहते हैं,
हम ऐसी जिहादी मानसिकता को समाप्त करने का काम हिंदू रक्षा दल करेगा और ताकत के साथ अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़ा है, उनका मनोबल टूटने नहीं देंगे। सरकार को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सरकार को यही संदेश देना चाहता हूं, जिस तरीके से आतंकवादी जिहादी मानसिकता के लोग वहां टारगेट करके, जिस तरीके से उन्होंने आज से 30 साल पहले लाखों हिंदुओं को वहां से भगाया था, ऐसी परिस्थिति अब ना होने दें। अब अपने सभी हिंदू भाइयों के साथ ताकत के साथ उनका साथ दें। रामपुर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति बेरहमी से एक बेजुबान कुत्ते को रिक्शा में बात कर उसके साथ बेरहमी से मारपीट करते नजर आ रहा है और कुत्ते के गले में फंदा डालकर उसकी हत्या करने की कोशिश करते नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो ताशके का माजरा के चौराहे थाना सिविल लाइंस का है। वहीं वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, रामपुर से वीडियो इन दिनों तेजी के साथ वायरल हो रहा है। पहले तो इस बेजुबा को ई रिक्शे से बांधा किया है, फिर इसकी जमकर पिटाई की गई है। इतना ही नहीं, एक हथियार से भी इसको मारा जा रहा है। कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की गोरखपुर में हुई मौत के प्रकरण में निलंबित और फरार चल रहे पुलिसकर्मियों पर इनाम घोषित किया गया। गोरखपुर से थाना रामगढ़ ताल में तैनात सभी 6 पुलिसकर्मियों पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। ये इनाम डीसीपी साउथ कानपुर रवीना त्यागी द्वारा घोषित किया गया। जिन पुलिसकर्मियों पर ये इनाम घोषित किया गया है वो सभी निलंबित चल रहे हैं। इसमें निरीक्षक जगत नारायण सिंह और SI अक्षय कुमार, इसके अलावा उप निरीक्षक विजय यादव, इसके अलावा उप निरीक्षक राहुल दुबे और मुख्य आरक्षी कमलेश सिंह यादव, आरक्षी नागरिक पुलिस प्रशांत कुमार निवासी थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर के नाम भी शामिल हैं। मथुरा किराए कस्बे के रामलीला मैदान में चल रही रामलीला मंचन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बारात धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। आगे गणेश और मां दुर्गा की झांकी भव्य आकर्षण का केंद्र रही। श्री राम के विवाह का उत्सव कस्बे के सादाबाद रोड स्थित अयोध्या नगरी से धूमधाम के साथ निकला, जिसमें राजा दशरथ अपने चारों पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ नगर भ्रमण कर राजा जनक की नगरी पहुंचे, जहां राजा जनक सहित समस्त जनकपुर वासियों ने राम बारात का पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया। आज रायागढ़ रामलीला कमेटी द्वारा भगवान राम की बारात बड़ी धूमधाम के निकाली गई, जहाँ राया के सभी जाति के लोग विवाह शामिल थे। उल्लास राया के सरवर से शुरू होकर कटविया विद्याविया घाटपोट साथी हुई यहाँ सुपर मार्केट पर आई हुई है। श्री राम आज भगवान राम की बारात है जो राया नगर में सादाबाद रोड राधा कोल्ड स्टोर से चालू हो रही है। भगवान राम अपने चारों भाइयों सहित अपनी पूरी अयोध्या को लेकर के आज राया जनक के द्वार पर पहुंचेंगे। जो आज की स्थिति भगवान राम की बारात का स्वागत जो कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के दनकोर कस्बे में स्थित एक सरिया की दुकान के संचालक ने कंपनी से सरिया लेकर आने वाले ट्रक की तोल में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उसने बताया कि तोल में गड़बड़ी करने के लिए ट्रक के चालक और परिचालक अपने कपड़ों के अंदर एक लोहे की प्लेट को बांध कर रखते थे। करीब 145 किलो वजन को वो अपने पेट पर बांध कर रखते थे, जिससे कि कांटे पर तोल कराते समय ट्रक का वजन सही बैठे और इसी आड़ में उतने ही वजन का सरिया जो है वो गायब कर दिया करते थे। लेकिन आज दुकानदार ने उन लोगों को प्लेट निकालते हुए देख लिया और इसकी शिकायत पुलिस से की है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।